रोला जमाना, रोला दबदबा क्रेज। तो बीच रोड पे देखो घोड़ों का रोमांस बारिश में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी हमने नए दिन के साथ। राहुल भाई जा रहे हैं आज दिल्ली, तो उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे हम लोग स्टेशन, क्योंकि भाई ने एडवांस ही बोल दिया था कि कल छोड़ना है मेरे को। और मेरे साथ आ रहे हैं नेगी भाई, और आज भाई से गुस्सा नहीं हूँ मैं, क्योंकि भाई अभी आज ससुराल से नहीं, आज मायके से आ रहा है भाई। हम तो मायके से ही आते हैं। डेली मायके से आते हो क्या तुम? और दिन के मुकाबले आज मौसम बड़ा साफ है, थोड़ा तो आसमान दिखा भाई, ये ब्लू ब्लू देखने के लिए तरस गया था मैं। सही बोल रहा है भाई, बारिश ही बारिश है। भाई ने तो पूरा प्लान ही पलट दिया यार। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा वापस नीचे को, तो भाई बोल रहा है कि मेरे को लेट हो रही है, मेरी ट्रेन है बोल रहा है, अभी तक बस बोल रखा था उसने हमसे। अब सप्लीमेंट मंगा रहा है, और अब मंगा रहा है सप्लीमेंट वगैरह। मेरे सप्लीमेंट लेते हुए आओ, मेरी ट्रेन छूटने वाली, तो पापा छोड़ देंगे, तुम वहीं मिलो मेरे को सप्लीमेंट्स के साथ। तो चलते हैं उसके सप्लीमेंट उठाते हैं और भाई को देते हैं। तो गाइस भाई का सामान तो ले लिया, अब चलते हैं भाई को पकड़ाते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो रही है भाई को। कुछ बनकर आओ तुम अब। बिल्कुल पार्टी कराओ हमारी। चलो ब्रो ठीक है, ओके बाय कर दो। सो भाई को भी विदा करके घर आ गया हूँ मैं, और अब कर लेते हैं लंच। और आज बनाई अरहर की दाल। क्या लेकर आए हो आज आप? भट्ट की छुटकानी। भट्ट की छुटकानी लाई है आंटी आज। चम्मच नहीं होना, दिखाता मैं आपको निकाल के, देखकर ही डिलीशियस लग रही है। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं छोटा था तब गया था ना। हाँ हाँ, जिम के नाम क्या है आपका? मेरा नाम जिम का नाम क्या आपके, जाते हो आप जिम का? तो मुझे पता नहीं है ना, पर किसी और का भी बता सकता हूँ। इसके जिम का नाम है आई डोंट नो। टाइम 5:30 होने वाला है, तो जिम का ही टाइम हो गया है। भाई भी बस आता ही होगा, उससे पहले पी लेते हैं ब्लैक कॉफी, तो जल्दी से बनाते हैं। तो जब तक ये ठंडी हो रही है, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। तो इस अरे यार, साबुत मूंग की दाल है, मैं कब से सोचा था इसको भिगाऊंगा लेकिन डेली भूल जा रहा था मैं, तो आज भिगाते हैं इसको। ये स्प्राउट्स बन जाएंगे, और आज से इसके स्प्राउट्स खाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कटोरे में पानी ले रखा है, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इनफ है एक दिन के लिए, क्योंकि एक बारी में तो मैं इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाऊंगा। अगर ज़्यादा भिगाता हूँ तो स्मेल मारने लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा, दो मुट्ठी काफ़ी है। और अगर हम मूंग के दाल की फ़ायदे की बात करें, तो ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई है, तो बहुत ज़रूरी है अगर आप जिम कर रहे हैं। इसके स्प्राउट्स आप जरूर खाइए, इसके और चना भी ले सकते हैं आप, काला चना, उसको भिगा के, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। तो गाइस चल दिए अपने जिम बडी के साथ जिम करने के लिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और भाई को करनी है आज मेहनत, आज इंटेंस कर देना एकदम। आज इंटेंस रोला जमाना, रोला दबदबा क्रेज। इस घोड़ों को भी अभी करना हो रहा है रोमांस, उसको मुंह पे लात मारी यार उसने। हॉर्न दे हॉर्न दे। अरे तो भाई ऐसे मत कर। तो बीच रोड पे देखो घोड़ों का रोमांस बारिश में। आत आत ना मारे यार वो। रोला जमाना, रोला दबदबा क्रेज। एक्सरसाइज तो हो गई अपनी, आया ब्रो मजा। लेकिन आज हम दो नहीं तीन जनों ने करी एक्सरसाइज, तीसरा दिखाओ। अरे रे रे भाग गई, तीसरा भाग गया। अरे ये है, ये कैमरा शाय है, देखिए कैमरा शाय है, थोड़ी कैमरा शाय है, छुप रही है हमारी छिपकली।
अरे कहाँ चले गई अर्श ब्रो, यहाँ से खोलो तो जरा खिड़की, वो लड़की है वो नहीं आएगी सामने, एक बार खोल तो सही, हल्के से नीचे का विंडो, यही कहीं है नहीं। चलो फिर ब्रदर मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। सो गाइस रीच्ड होम, मेरे घर आने से पहले यहाँ पे लिली आंटी की सब्जी पहले जाती है, पिंकी मैडम लेकर आ गई है। क्या बोल रहे हो मेरी मम्मी को है? तो लिली तो आंटी का नाम, बोलो लिली आंटी। ओए होए, तो आज आंटी ने बनाया स्पेशल कोफ्ते बनाया है दिखाने के चक्कर में। कोफ्ते नहीं होता, कोफ्ते होता है पिंकी, ज्यादा एक्शन दिखाने के चक्कर में ना। यही तो लाड प्यार है हम लोगों का, पड़ोसियों का। मैं आया नहीं घर और उससे पहले सब्जी आ गई यहाँ पे, वाह ब्यूटीफुल। वैसे तो मम्मी ने आंटी के लिए भेजा है, पर कोई नहीं, चलो आपके लिए। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मम्मी ने बोला जल्दी जा, आंटी ने खा लिया होगा। मम्मी क्या बनाया आज आपने? पनीर बना रही ना। अच्छा हाँ। तो भाई पनीर ले जाओ आज तुम, कोफ्ते के बदले में पनीर। ठीक है ठीक है, कॉल करूंगा, देखो मिस कॉल, फोन करना यार। ठीक छु, चलो सब्जी। धन्यवाद, ओके चल ठीक है। क्या बात, आप लेन देने आ गए? हाँ हाँ, मैंने कहा जाता हूँ, करने वाले थे। कोई बात नहीं, एक ही बात है। और आज घोड़े की लात से बार बार बची अर्श की गाड़ी, वो उसकी डिग्गी के नीचे लगा, अगर वो कहीं ऊपर साइड पड़ता तो पूरा डेंट दे देता वो गाड़ी में। घोड़े की लात तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, अगर लात लग जाती तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता आज भाई को। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने बाद में चेक किया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही था, क्लियर था मामला। तो बाकी अब मैं भी चेंज वगैरह करता हूँ, पसीना भी काफ़ी हो गया है, नहा लेता हूँ जल्दी से। तो मैं तो चेंज वगैरह भी कर लिया है और अब कर लेते हैं डिनर। और आज है पनीर की सब्जी जो मम्मी ने बनाई है, और कोफ्ते और राइस, मेरा फेवरेट, क्योंकि गाइस मैं ज़्यादातर राइस खाना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मैं प्रेफर यही करता हूँ राइस हमेशा। सो डिनर भी हो गया और कल सुबह के लिए एक प्लान बन रहा था छोटा सा। भैया का शाम को फ़ोन आया था दिनेशपुर आ जाना, वहीं से नानक मत्ता गुरुद्वारा जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन उसके बाद दोबारा से फ़ोन आ गया, अब हो गया प्लान चेंज। और कहाँ का हुआ है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, वो आप कल वाले व्लॉग में ही देखना। भैया बोल रहे थे कल वो सुबह सुबह 5:30 वहाँ से निकल जाएंगे, भैया लोग बोल रहे थे कल सुबह सुबह 5:30 वहाँ से निकल जाएंगे और मुझे यहीं से पिक कर लेंगे वो लोग। तो कल सुबह जल्दी उठना होगा, तो अलार्म भी लगाना है और टाइम से सोना भी, और टाइम से एडिटिंग भी करनी होगी। तो बस जल्दी से एडिटिंग करता हूँ मैं स्टार्ट, और आज रात को अपलोड भी कर दूंगा और कल दिन में 1:30 बजे पब्लिक कर दूंगा व्लॉग को। और मैंने यहाँ पे गिम्बल भी चार्जिंग पे लगा लिया है कल के लिए, पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। सो गाइज व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए टाइम से करते हैं यहीं पे एंड। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कल वाले व्लॉग में आप देख लीजिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए बाय, टिल देन पीस। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.